हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखा चौबे रेसिपी। तो आज हम कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है ना हरा मूंग। ये देखिए, हरा साबुत मूंग है, ये मैंने एक कटोरी लिया है और ये बहुत जल्दी ही ब्रेकफास्ट बन जाता है। और हम सबको ये पता है जो मूंग होता है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है और प्रोटीन हमें ब्रेकफास्ट में जरूर लेना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हम फुल डे पूरे दिन एक्टिव रहते हैं इसके लिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मूंग दाल को मैंने पहले से ओवरनाइट सोक कर लिया है। तो ये देखिए, मैं सोक कर लिया है, ये थोड़ा थोड़ा स्प्राउट भी हो गया है। मैंने यहाँ मिक्सी जार लिया है, डाल देंगे। और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का ऑनियन रफली चॉप करके मैंने काट के रखा है, आप कैसे भी काट सकते हैं, इसका हमें पेस्ट बनाना है। और मैंने यहाँ थोड़ा सा धनिया पत्ती और 3-4 हरी मिर्च ली है। अगर आपको कम तीखा बनाना है तो आप कम तीखा बना सकते हैं। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बन गया और ये पेस्ट दरदरा है, बिल्कुल पतला नहीं करना है। अब इसमें मैं 1/2 स्पून नमक डालती हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। मैंने बिल्कुल 2 पिंच लाल मिर्च डाला है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा यानी कि 2 पिंच जीरा और धनिया पाउडर है और काली मिर्च पाउडर, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ तवा रख दिया है और हमारा तवा गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले हम ऑयल लगाएंगे, आप कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल लगा रही हूँ। 3-6 चीजों में मैं मस्टर्ड ऑयल ज्यादा यूज करती हूँ। ये देखिए मस्टर्ड ऑयल लगा लिया है। और मैं यहाँ बहुत कम ऑयल का यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारा बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसको ऐसे फैला देंगे, ये देखिए इसको फैला दिया और पतला कर देंगे इसको। मैं इसको ढक देती हूँ 5 मिनट तक। तो मैंने इसको 5 मिनट तक ढक के छोड़ दिया था। ये देखिए एक साइड से हमारा पक गया चूल्हा, अब इसको हम पलट देंगे। और जब आप अपना कलछी ऐसे लगा के देखेंगे, अगर ये पक गया रहेगा इस साइड में तो खुद ही तवा से छूट जाएगा। अब इसको हम पलट देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पलट दिया और कितने अच्छे से पक गया है, कितना अच्छा कलर आया है आप देख रहे हैं, ये देखिए। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और कम तेल में हेल्दी ये बन भी जाता है। और ब्रेकफास्ट इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसको हम धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे, आप सॉस के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने फिर इसको उल्टा करके फिर से लो फ्लेम पे 2 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया। आप चाहें तो बीच बीच में मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। और ये कच्चा नहीं रहता है क्योंकि मूंग तो हम ऐसे भी भिगो के खाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पकाने की प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए हमारा दोनों साइड से पक गया, इधर भी बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा मूंग का, हरा मूंग का चीला और धनिया की हरी चटनी के साथ रेडी हो गया। तो ये हमारा हेल्दी मूंग चीला तो रेडी है ही, और होप आप इसको एंजॉय भी करेंगे, बनाएंगे भी। और ये बहुत कम चीजों से बन जाता है, सिर्फ 2 से 3 चीजों में बन जाता है। तो आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ओके बाय बाय।